हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक ईयरफोन मंगाया है जो कि MI का ईयरफोन है और ये एक रिफर्बिश ईयरफोन है। तो दोस्तों, अमेज़ोन पे रिफर्बिश प्रोडक्ट बिकते हैं और इसके बारे में आपको बता दूं तो रिफर्बिश प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं कि मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाया और वो प्रोडक्ट अगर मुझे डिफेक्टिव मिल गया या फिर नॉट वर्किंग में रहा और उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट को अगर रिटर्न कर देता हूँ तो वो प्रोडक्ट जब रिटर्न होके वापस जाता है तो उसको चेक किया जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी और उसको कंपनी वाले ठीक करते हैं और उसके बाद दोबारा से उसको सेल करते हैं। और वो प्रोडक्ट कंपनी वाले दोबारा से जब सेल करते हैं तो उसको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बोलकर सेल करते हैं। तो वही प्रोडक्ट हमने मंगाया है। तो दोस्तों, देख सकते हो कि अमेज़ोन की ये पैकिंग है और इस तरफ मेरा नाम और डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस तरफ से मैं आपको नहीं दिखा रहा। और फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये प्रोडक्ट है। तो ये हम इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर देख सकते हो कि ये रहा बिल। तो बहुत ही हल्का डब्बा है और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इस टेप को हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये मैंने डब्बे को ओपन कर लिया है और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का प्रोडक्ट है। तो देख सकते हो डब्बे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये प्रोडक्ट है और इसको भी इन्होंने टेप नहीं लगाया, सीधा ऐसे ही दे दिया है। और ये देख सकते हो कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर प्रॉपर इसकी पैकिंग भी नहीं है, जो कि MI का जो बॉक्स होता है तो उस वाले बॉक्स में ये प्रोडक्ट नहीं है। MRP देख सकते हो 999 रुपये मेंशन है और उसके बाद देख सकते हो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है। तो देख सकते हो कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ऊपर वाला बॉक्स इसका नहीं है। तो रिफर्बिश में कुछ इस तरह की चीज़ें हमें मिलती है। इससे पहले भी मैं एक दो चीज़ें रिफर्बिश में मंगाया हूँ जिनकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो अभी फिलहाल जो है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो रिफर्बिश में दोस्तों यूज, डैमेज, डेमो या फिर रिटर्न किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि हमने इसे बाहर निकाल लिया है। उसके अलावा दोस्तों, इस वाले पैकिंग में हमें कुछ ईयर टिप्स मिल जा रहे हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं, छोटे भी है और बड़े भी है। तो पैकिंग कुछ खास हमें नहीं मिली है। अगर मैं ये ईयरफोन नया लेता तो मुझे 99 रुपीज़ का मिला होता, लेकिन मैंने ये रिफर्बिश में लिया है सिर्फ 243 रुपये का। तो इसका मैं तार ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके वायर की लेंथ कितनी है। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ इतनी बड़ी इसकी लेंथ मिलने वाली है और वायर की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। और ये जो वायर है ये थोड़ा रबर टाइप का है। तो दोस्तों, हमने अपने इस ईयरफोन को 2 दिन टेस्ट करा और 2 दिन टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी साफ़ और क्लियर इसकी आवाज़ है, लेकिन उतनी ज़्यादा लाउड नहीं है जैसे कि मैं पहले लोकल ईयरफोन जो यूज़ कर रहा था तो उसमें जो साउंड क्वालिटी थी वो काफ़ी तेज़ थी, बाहर की आवाज़ एकदम ब्लॉक हो जाती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी बाहर की आवाज़। और इसके बेस की बात करें तो थोड़ा सा बेस कम है, हालाँकि और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। तो दोस्तों, हम जो है 2 दिन यूज़ करने के बाद आपको इसका रिजल्ट बता रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक है, बस बेस थोड़ा सा कम है, उतना ज़्यादा हैवी बेस आपको इसमें नहीं मिलेगा। बाकी जो है ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप बाय करना चाहते तो बाय कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे ये ईयरफोन काफ़ी अच्छे लगा, अच्छी क्वालिटी है और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ईयरफोन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये ईयरफोन उन लोगों को लेना चाहिए जो लोग नॉर्मली गाने वाने सुनते हैं और यूज़ करना चाहते हैं, बाकी उन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गाने सुनने का शौक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।